हेलो स्टूडेंट्स जय माँ सरस्वती सो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिवीजन अच्छा डिवीजन से पहले हमारे पास आ, कुछ चीज़ें थी इनमें से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों का तो कल ही बता दिया था आई होप आपको सभी बता दिया था तो चलो ठीक है डिवीजन पे ही चल ही चलते हैं ठीक है तो देखो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू डिवीजन ऑफ नंबर बाय टू डिजिट नंबर इन इन दिस क्लास वी सेल लर्न द डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय थ्री डिजिट और फोर डिजिट नंबर ओके तो पिछली क्लास में जैसे कि आपको पता है आपने टू डिजिट नंबर वाले क्या पढ़े थे डिविज़न्स पढ़े थे अब देखो थ्री और फोर डिजिट वाले नंबर्स कैसे होंगे ठीक है अब तो देखो इसके बाद क्या है जैसे कि आपने देखा हमारे क्या एडिशन में सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में सब में क्या होता था क्या होता था प्रॉपर्टीज होती थी वैसे ही हमारा क्या है डिवीजन में भी क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ओके तो आपको आनी चाहिए देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है नंबर वन वन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स सेल्फ द कोशेंट इज वन अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मतलब किसी नंबर को उस खु, उसके खुद से अगर डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारा वन आता है quotient हमारा क्या होता है आपको पता होगा है ना? तो देखो जैसे यहाँ पे अच्छा इधर देख लेता हैं ठीक है यहाँ ये यह होता है हमारा कोशेंट और ये होता है हमारा जो हमारा कोशेंट और हमारे पास रिमाइंडर बचता है ठीक है ये होता है और हमारे पास रिमा अच्छा ये ये रिमाइंडर हो गया ये कोशेंट हो गया डिविजर क्या हो गया और डिविडेंट क्या हो गया डिविडेंट ये हुआ डिविजर ये हुआ ओके ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो देखो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन अपने प्रॉपर्टी नंबर टू पे वन ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई वन द्वेशेंट इज़ द नंबर इट्स अगर हम किसी नंबर को क्या करें वन से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या होता है वो खुद होता है ओके तो आपको समझ में आ गया होगा अब देखो थर्ड देखो वन ज़ीरो इज डिवाइडेड बाय एन नॉन ज़ीरो नंबर द इज जीरो अगर हम ज़ीरो से किसी नॉन ज़ीरो यानी किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ज़ीरो ही मिलेगा ओके okay? अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है इसके कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है इनको देख लेंगे चलो देखो फोर्थ हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है डिविडेंट के इक्वल मीन्स अगर हम क्या करें डिविजर और कोशेंट डिविजर और कोशेंट को क्या करें मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर हम ऐड कर दें तो हमें डिविडेंट मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इस पर आप इम्पोर्टेंट का टैग इम्पोर्टेंट uh, आप इसे कर सकते हैं ठीक है अब देखो डिवाइडेड इतना नाम बाय थर्टी सिक्स इसको हमने क्या करना है एग्जाम्पल दे रखा है थर्टी सिक्स से हमने इसको डिवाइड करना है ठीक है देखिए हमारे पास क्या है जो हमारी बुक पर बताया है कि स्टेप वाइज हमने क्या कर रखा है इनको डिवाइड कर रखा है ओके okay? सो so, अब देखो अब हम क्या करेंगे हम आ, सीधे पीछे चलते हैं ये तो एग्जांपल ही है ठीक है तो देखो यहाँ सारी चीज़ें हैं हमारे पास आ, ये भी हमारे पास क्या है पूरा एग्जाम्पल है ठीक है तो यहाँ भी एग्जाम्पल है चलो सीधे चलते हैं वॉक्सीज नंबर फोर पॉइंट सेवन पे ओके तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड द फाइंड ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड फाइंडर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर देखिए हमें क्या करना है डिवाइड करना है सबसे पहले उसके बाद हमने क्या करना है क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है ठीक है तो सबसे फर्स्ट दे लेते हैं ए है हमारे पास क्या सिक्स सेवन फाइव फोर टू थ्री डिवाइड सेवेंटी सेवन तो इस तरह से है इसको इसके जो हमारे पास हम जब डिवाइड करते हैं उसी फॉर्म पे लिख लेते हैं तो सेवनटी सेवन यहाँ पर आ जाएगा सिक्स सेवन फाइव फोर टू थ्री यहाँ पे आ गया ठीक है आप देखो सेवेंटी सेवन से इसे करेंगे इन अगर हम इन नो, दो नंबर्स को देखें ना तो ये इससे छोटे तो हम क्या करेंगे इन तीन नंबर्स को ये ये थ्री डिजिट्स को देखेंगे ओके अगर हम सेवेंटी सेवन को क्या करें टू से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा फोर्टीन का फोर वन इधर आ गया फोर्टीन का फोर प्लस वन फिफ्टीन ये तो इतना ही आ रहा है अब हम इसको क्या करते हैं अगर थ्री से भी मुझे लगता है कमी आएगा तो मैं एक बार फोर से करके देख रही हूँ ठीक है तो सेवन फोर सेवन जाटी हमारे पास होता है फ़ोर सेवन जा ट्वेंटी एट ओके ट्वेंटी एट का एट हमारा टू आ गया एक मिनट यस yes, ठीक है इसके बाद फोर सेवन जा ट्वेंटी एट प्लस टू ट्वेंटी नाइन थर्टी ये भी कम ही आ रहा है तो फिर से देखते हैं अब यहाँ पे देख लो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं फाइव से करें फाइव सेवन जा थर्टी थर्टी का ज़ीरो सॉरी हमारे पास होता है थर्टी फाइव होता है थर्टी फाइव का फाइव हमारा थ्री आ गया इधर थर्टी फाइव बस फाइव सेवनजा थर्टी फाइव प्लस थ्री थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट आ जाएगा यहाँ पे ये भी कमी हो रहा है हमारा अब फिर से देखो किससे करते हैं अगला हम देखते सीधे सेवन से करके देखते हैं ठीक है सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन का नाइन फोर आ गया सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री आ रहा है यहाँ पर ये भी इससे कम ही है तो अब फिर से देखते हैं क्या होगा आ, एट टाइम करके देखते हैं ना अब देखो सेवेंटी सेवन का जो टेबल होगा वो सबको तो आता नहीं होगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ये एट है हाँ तो एट सेवन जहाँ कितना होता है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स का सिक्स और फाइव हमारा चले गया इधर तो एट सेवन जहाँ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन तो सिक्सटी वन हमारा यहाँ पे ये यह आ रहा है ठीक है अगर हम इस पर क्या करें अगर ऐसी अगर हम ना, नाइन टाइम करके देखें तो नाइन टाइम करके देखें तो नाइन सिक्स या सिक्सटी थ्री होता है तो का थ्री यहां पे आ गया सिक्स इधर चले गया नाइन सेवन जहां सिक्सटी थ्री सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी टू तो ये हमारा क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितने टाइम देंगे एट टाइम यहाँ पे करेंगे ठीक है एट टाइम क्या है तो हमारे पास क्या आया सिक्स वन सिक्स आया ओके तो अब इसको करते हैं माइनस करते हैं देखिए क्या होगा सेवन से इधर ए वन हम बॉर्डर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे फिफ्टीन तो सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे नाइन आ गया यहाँ पे सिक्स रह गया तो फाइव आ गया अब क्या आया नीचे फ़ोर ये वाला हम यहाँ पे कर लेंगे अब देखो फोर आ गया तो देखते हैं फाइव हमने जब अभी कर रखा था तो कहाँ पे थे हम हमारा अगर सेवन टाइम दे तो ये हो रहा है और एट टाइम दे तो ये हो रहा है तो यानी एट टाइम पे बड़ा हो रहा है सेवन टाइम देंगे ठीक है तो सेवन टाइम किया तो कितना आया हमारे पास फाइव थ्री नाइन आया ठीक है तो अब यहाँ से फिर से लेंगे तो फोर्टीन माइनस नाइन हमारे पास आ जाएगा फाइव और यहाँ पे नाइन माइनस थ्री कितना सॉरी यहाँ पे एट हो गया एट माइनस थ्री फाइव आ गया उसके बाद क्या आया हमारे पास यहाँ पे टू आ गया फिर से देखते हैं देखिए फिर से हम कितने टाइम देंगे सेवन टाइम देंगे तो सेवन आ गया उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव थ्री नाइन आ जाएगा ठीक है तो ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री आ गया अब यहाँ पे कितना रह गया फोर फोर माइनस वन थ्री वन आ गया अब हमारा नीचे क्या गया, 3 आ गया थ्री आ गया ठीक है यहाँ तो जीरो यह हो जाएगा ना ये जीरो हो जाएगा ठीक है तो वन थ्री थ्री आया अगर हम देखें हमने टू टाइम दिया तो हमारे पास कितना आ रहा है वन फाइव फोर आ रहा है ना तो हम कितने टाइम देंगे वो इससे बड़ा है तो हम वन टाइम देंगे ओके तो वन टाइम दिया तो यहाँ पे क्या है सेवेंटी सेवन आया तो यहाँ से अगर यहाँ ले तो थर्टीन थर्टीन तो सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितना आया सिक्स आ गया अब यहाँ पे ये यह आ गया तो इधर ले आए तो यहाँ पे तो टू रह गया तो ट्वेल्व माइनस सेवन का सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यानी फाइव आ गया यानी हमें हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है कोशेंट और रिमाइंडर हमें पता चल गया देखो कोशेंट हमें क्या पता चला कोशेंट क्या आ गया हमारे पास एट सेवन सेवन वन और रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आया जो बचा बच जाता है लास्ट में ये वाला तो ये कितना आ रखा है हमारे पास रिमाइंडर इज़ कितना आ गया वन फिफ सॉरी फिफ्टी सिक्स आ रखा है ठीक है अब देखिए एक चीज़ ध्यान में आप चाहे तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ये एरो के साइन बना के आप इनको कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप ऐसे इनको एरो के साइन लगा के क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ओके सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा सेम एज आप इन सबको करेंगे ओके तो देखो डिवाइड एंड चेक द आंसर तो ये भी सेम इसकी तरह है ठीक है ये भी कर लेंगे फाइन फाइंड द डिविडेंट अब इसको हम क्या करेंगे कल को अपना पढ़ेंगे ओके सो थैंक यू गाइज